आखिर के हशर के मैदान में पर्चा खुलेगा, अल्लाह सुबहाना ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी पूरी माइट के साथ आपके सामने होंगे। क्या सवाल करेंगे कि जब तुम्हें पावर दी थी वो पावर किधर सर्व की थी, जवानी किधर गुजारी? को अल्लाह ताला ने सवाल अकेले में करना है, ऐसे अल्लाह ताला ने आपके साथ आना है। ये हदीस पढ़ें कि नाक से नाक टच हो रही होगी, अल्लाह ताला विस्पर कर रहे होंगे। वो सोचें तो सही कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे कान में बोल रहे हैं कि ये भी किया था, ये भी किया था। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप स्कॉलरशिप चूज करेंगे ना तो स्कॉलरशिप वो वाली चूज करें जो हमारे मसाइल को डील करके हमारे हमारे मामलात को कुरान पाक से प्रेजेंट करे, अहदीस से प्रेजेंट करे। अब वो एक बहुत ही बड़ा मसला आ जाएगा कि सर ये निज़ाम वाली बातें तो ज़्यादातर स्कॉलरशिप ने की नहीं। तो ठीक है, नहीं की ज़्यादातर स्कॉलरशिप ने, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो निज़ाम की बातें कर रहे हैं वो गलत है। दीज आर सेंसिकल कॉमन सेंस रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको फ़लस्तीन की मिसाल क्या दी है, कॉमन सेंस की बात है। और कॉमन सेंस किसकी बेस पे? एम्पथी की बेस पे। आपके बच्चों को यहूदी हमारे पिंडी में आके यहूदी आके बच्चे मार रहे हों और आप इस्लामाबाद में आके फैसल मस्जिद में विजिट हो रहा हो और अर्दोगान का, ठीक है, यहां पे मैस मर्डर हो रहा हो वहां पे अर्दोगान फैसल मस्जिद विजिट कर रहा हो और आकर इसके ईया के ना अबिदू ईया के नस्ताइन, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं, तुझसे मदद मांगता हूं। हम किसे मदद मांग रहे हैं? अभी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर भाई। या वो नवाज शरीफ, 35 अपाची हेलीकॉप्टर स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसी हफ्ते साइन किया वहां ने, हेलीकॉप्टर इसराइल पहुंचे और नवाज शरीफ ओबामा के पास पहुंचे। इसको तो पता भी नहीं होगा जिस लेवल का इसका इंटेलेक्ट है ना, इसको पता भी नहीं होगा कि इसराइल को ओबामा ने अभी वो दिए। और आगे क्या कहता है, ऐसे ऐसे बैठे कहां पर ऐसे करके, माय वाइफ हैज मेड काले चने फॉर यू। और ओबामा का कह रहा आगे से, मेड व्हाट फॉर मी? शुक्र इसने इंग्लिश में नहीं बोल दिया, नहीं तो उसे समझा तो अबशियों के खाने की चीज है ब्लैक चने। सोचे तो सही, वो डमनेस की भी कोई लेवल होते हैं ना। और मैं आपको फिर बता दूं ये कैमरे पे, ये नवाज शरीफ इसलिए नहीं पकड़ा गया, वो इतना डम है कि समझ ही नहीं आती बेचारे को क्या बोल रहा है। अब आप समझ नहीं कि चुप है तो मैच्योरिटी की अलामत है, नहीं, वो चुप इसलिए कि वो कुछ भी बोलेगा तो वो नंगा हो जाएगा। जब बोला वो पता चल गया हमें कि मेरे, मतलब मैं क्यों बता रहा हूं आपको नवाज शरीफ की मिसाल, एक बंदे को पता ही नहीं है कि कब असली लड़ाई क्या है तो उसने नकली लड़ाई करनी है ना जाके। आप उसी नवाज शरीफ के तेवर देखें जब, और ये वीडियो पर देखिएगा जरूर, जब बिल क्लिंटन ने कारगिल से फौजें वापस बुलाने के लिए कहा था ना, वो एक दफा वीडियो पे वो जरा वो नजारा देखना, जरा मुंह भी नहीं कर रहा नवाज शरीफ की तरफ, वो क्लिंटन ऐसे कर रहा है कि चल चल निकल इधर से, तुझे कह दिया कर, देखे जरा आप, मैं तो नहीं था ना उधर, मैंने भी तो वीडियो भी देखा। इनको पता ही नहीं है कि बिग फाइट है क्या, इनको इनसे पूछूंगा मैं, और इससे बहुत बेहतर सलमान खान से पूछ लें इमरान खान की बजाय, कि चल इस्लाम का कुछ बता दे यार। हिंदुओं में रहता कुछ ना कुछ माइनॉरिटी ने प्रैक्टिस किया ही होगा तो वो बता देगा। दीज पीपल आर नॉट डिजाइन बिकॉज दीज पीपल प्रैक्टिस्ड एंड परफेक्टेड अ मॉडल। वो मॉडल हमारे साथ पैरेलल चल रहा है, फिक्र नहीं करें, हमारे हमारे बीच में पिंडी इस्लामाबाद में चलता है। और क्या समझ रहे हैं, ये तुर्की से आए सारे, ये पाकिस्तान से निकले ना सारे, ये मॉडल हमारे सामने ही चल रहा है। ये आप लोग एक्सेप्शनल क्राउड हैं कि जो वो आवाजें सुन रहे हैं, वो कहां से आवाजें आ रही हैं, अंदर से आवाजें आ रही हैं आपको, ऐसे तो नहीं यहां पहुंच गए, यहां पे कोई स्पीकर पे गाने तो नहीं सुनाने थे किसी ने। देयर इज सम केमिस्ट्री इनसाइड यू, अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट्री, वरना ये सैकड़ों की तादाद में हॉल नहीं भरे जाते। ये केमिस्ट्री की आवाजें अल्लाह ताला आपके अंदर से आवाजें लगवा रहे हैं, कोई शक में मत रहिएगा, ये केमिस्ट्री चीखे मारेगी एक खास लेवल तक और खुदा की कसम चुप हो जाएगी फिर, उसको मोहर कहते हैं अल्लाह ताला। ये केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज है जो आपको चैन से सांस नहीं लेने दे रही है कि कोई बहुत बड़ा मसला, मैं मारी जाऊंगी, मैं मारा जाऊंगा, कोई छोटा वाकया हो रहा है आपके अपने शहर में। मैं ना एक और वाक्य सुनाता हूं आपको ना, मेरे पास टीवी नहीं है तो थोड़े थोड़े वाक्यात आते हैं, वरना तो रोज ये नंगे फिर रहे होते सामने।
पता नहीं किधर शेख रशीद को नजरबंद कर दिया गया था और वराबर वाकई याद है, और मोटरसाइकिल पे गलियों में से घूमता हुआ पहुंच गया था, मैं पहुंच गया, याद है वो आपको वाकई, मुझे मुझे वो ग्लिम्स याद है। और पिंडी के यूथ नारे मारा ये होता शेर, तो आप इसको दूर कर देना ऐसे। और उसको किस लेवल की पजीराई किस लेवल मिल रही थी कि करेज ये होती है करेज। ये वही शेख रशीद था कि उसी मोटरसाइकिल पे किसी और लड़के के साथ भाग रहा था लाल मस्जिद से कि कहीं यहां पे ना पाया जाऊं, समझ रहे। जब अपनी जगह पहुंचना होता है पहुंच जाता है ये बंदा, और हर बंदा पहुंच जाता है ना। मैंने वही कहा ना अभी एक भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि तहरीक तो इंसान के डिजाइन में है, अब वो अल्लाह के लिए कर रहा है या वो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है ये एक अलग ये बहस कर ले। तहरीक तो अल्लाह ने डाली हुई है, और इसी तहरीक का सवाल होगा क्या, पहला सवाल क्या आखिरत का, तहरीक का सवाल है पहला, क्या सवाल किसी को पता पहला सवाल आखिरत का बताएं। जब आखिरत के हशर के मैदान में पर्चा खुलेगा अल्लाह सुभान तआला अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी पूरी माइट के साथ आपके सामने होंगे, क्या सवाल करेंगे। नहीं नहीं नमाज का पहला सवाल आखिरत के दिन नहीं है कि जब तुम्हें पावर दी थी वो पावर किधर सर्व की थी, जवानी किधर गुजारी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये इन्होंने पता हमें कहां गुजारी है सबने जवानी, क्या समझ हमें नहीं पता। यू थिंक वी डोंट नो ऑल ऑफ दीज पीपल, दिस इज अ प्रॉब्लम यू एंड आई आर फेसिंग बिकॉज हमारे अंदर रातों को भी दिन को भी कोई वीडियो हम देखते हैं आंसू निकलते हैं, ये वीडियो देखते हैं अंगूठा आगे चलता है, कोई ये किधर से आ गई। ये दो तरह के बंदे हम सब पिंडी इस्लामाबाद में, उस केमिस्ट्री को पहचान लें बस आप, कोई दूर ना जाएं अंदर जाएं अपने, कहीं किसी और से नहीं मिलनी आइडेंटिटी आपको। आपको अल्लाह ताला ने सवाल अकेले में करना है, ऐसे अल्लाह ताला ने आपके साथ आना है। ये हदीस पढ़ें कि नाक से नाक टच हो रही होगी और अल्लाह ताला विस्पर कर रहे होंगे, वो आप एक दफा वो दिन इमेजिन करें तब आपको पता चलेगा कि आग किधर लगी हुई होनी चाहिए। वो सोचें तो सही कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे कान में बोल रहे हैं कि ये भी किया था ये भी किया था। मैं अभी यहां पे अपने कपड़े उतार दूं ना तो एम्बैरेसमेंट कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। आप आखिरत के ऊपर रिवर्स इंजीनियर करें, अल्लाह की कसम माल ही माल आपकी तरफ आएगा, मगर आपको चाहिए ही नहीं होगा सब क्योंकि आपने मसरफ निकाल लिए होंगे माल के, और इतने मसरफ मुसलमानों के पास हैं, यहूदी तो फिर एक इसराइल है मसरफ उनका, हमारे पास तो मसरफ ही मसरफ। हमें चाहिए बिलियनेयर्स, मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस मकसद के खिलाफ हूं कि यो फेम एंड फॉर्चून, फेम एंड फॉर्चून, ये फेम के पुजारी हैं, मैं से कम बात नहीं होती इमरान खान की। वो तारुल कादरी साहब स्टेज पे खड़े हुए जब धरना चल रहा था, देखें ये भी वीडियो पे है ना, एक बुढ़ी माई बेचारी आई है उससे बात करने के लिए कि पैसे देने आई थी या पता नहीं क्या करने आई थी, और कुछ देने ही आई थी लेने नहीं आई थी या पता नहीं क्या करने आई थी मुझे नहीं याद। और तरल कादी साहब ने स्टेज से धक्का देके साइड पे किया, माई साइड पे क्योंकि कैमरे के सामने आ रही है तू, और वो नीचे गिर गई। आप इन लोगों की रौनक उस और के ऊपर देखेंगे जब ये कैमरे के सामने होंगे। जिसके पास पैसा उसको फेम चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पहले पैसे चाहिए। गरीब मशहूर तो कोई नहीं होना चाहता ना,